हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सॉल्ट सेट का रिवीजन। तो एक ये सुपर फास्ट वीडियो होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो यार देखो, ये वीडियो वही लोग देखे जिन्होंने सॉलिड सेट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने सॉलिड सेट नहीं पढ़ा है तो पहले आप सॉलिड सेट का पूरा वीडियो देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको इधर आई बटन में या फिर इधर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। चलो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉलिड सेट का रिवीजन। तो हमें पता है कि यार स्टेट्स ऑफ मैटर फोर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। आउट ऑफ दीज फोर, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा को हम लोग फ्लूइड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड सेट के रिवीजन की। तो पहले हम समझते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब यार ये प्रॉपर्टीज हम सब लोगों को पता है, तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं इनको। भाई सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक, इनकम्प्रेसिबल, मैं गंदा गंदा लिखूंगा बट तुम लोग समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया अपना? हो गया भैया इसका देखो फिक्स शेप, मास एंड वॉल्यूम। ये भी सबको पता है, शेप, फिक्स शेप, मास एंड वॉल्यूम। नंबर थर्ड की अगर हम बात करें सॉलिड की, तो हुआ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और बात करें तो शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। और बात करें तो क्या बोलेंगे हम सब? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर fixed and oscillate around their mean position। ठीक है, तो ये बस कुछ मैंने सिंपल सी प्रॉपर्टीज बता दी। आई होप आप लोगों को पता ही होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो वो होते हैं दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो दोनों की जल्दी जल्दी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे नजर मार लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो सॉलिड्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो सॉलिड्स हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। अगर इन्हीं को बोले तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स। या फिर एक इनका और नाम है, इसको हम लोग बोलते थे सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड्स। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम इनकी बात करें तो इनकी होती है डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप। और इनकी कैसी होती है? इनकी होती है इररेगुलर शेप। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो उसका क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है जहां पे आगे सॉलिड पूरा मेल्ट हो जाता है, तो शार्प शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर पे आगे एकदम से वो पिघलता नहीं है, तो एक रेंज रहती है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, लॉन्ग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है उनमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग रेंज होता है। और यहाँ पे कैसा ऑर्डर होता है? इधर होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है यहाँ पे, जो कि आप सब लोगों को ध्यान रखना है, ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। और स्यूडो सॉलिड्स हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आइसोट्रोपिक। तो ये यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि आइसोट्रोपिक कौन होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। बट ये क्यों ऐसा होता है ये हमने आपको पहले ही बता रखा है, बट ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यार दो, क्रिस्टलाइन में तो कोई भी आप मेटल का एग्जाम्पल दे दो, जैसे कोई भी दे दो भाई, आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल, बहुत सारे आ जाएंगे, NaCl, तो आयनिक कंपाउंड हो गया, H2 हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाएंगे। अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा ग्लास, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अमॉर्फस सिलिकन या फिर रबर, रबर लिख लो, रबर तो सिंपल एग्जांपल हो गया, तो ग्लास हो गया, रबर हो गया, अमॉर्फस, अमॉर्फस सिलिकन। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अमॉर्फस के। तो अब क्या होगा, चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे, अमॉर्फस को मिटा देते हैं। तो उसको जल्दी से मिटा दिया जाए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे यार हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। हमने यहाँ पे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, और वो भी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। तो उसको भाई जो है टिक लगा दीजिए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी और क्लासिफाई कर रहे हैं।
तो जो हमारे कौन से हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनको हम लोग इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला नहीं सॉरी चार पार्ट्स में करते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक, मेटालिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स और लास्ट क्या हुआ कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स। सभी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन सा देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा कौन सा किया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा कौन सा किया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन सबकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। नॉन पोलर का मतलब ही समझ में आ रहा है क्या, जो नॉन पोलर से पहले आते हैं, ओके नॉन पोलर से भी आते हैं पहले कि भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो यार देखो सॉलिड जिस भी चीज से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहाँ पे सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोला गया है। अब मॉलिक्यूल में भी हो सकता है कि वहां पे कैसा मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2, दोनों एटम सेम है, H2 के मॉलिक्यूल में नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो H2 हो गया अपना, थोड़ा यार यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मेटल के लिए भी जगह बचे, तो उसका एग्जांपल हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, तो काफी सारे एग्जांपल्स हमारे निकल के आ रहे थे नॉन पोलर के। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे पोलैरिटी है, बहुत अच्छे एग्जांपल हो गया अपना HCl, और अच्छे एग्जांपल हो गया अमोनिया, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, तो ये सारे के सारे पोलर है। हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपको बताइए कि ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो एग्जांपल हो गया अपना H2O, H2O मतलब यहां पे आई से स्नो की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की बात नहीं कर रहे क्योंकि वाटर सॉलिड नहीं है। तो ये हो जाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आ जाते हैं मेटेलिक सॉलिड्स, और मेटेलिक आप समझते ही हो यार, मेटेलिक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब सिर्फ एग्जांपल ही लिख देता हूँ, आयरन, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं यहाँ पे मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, वो सबके सब कौन से हो जाएंगे अपने मेटेलिक सॉलिड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या हो गया, मेटल हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखने की, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे मतलब मोस्टली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, एंड दे आर इंसुलेटर्स। ये चीज आपको याद रखनी है कि सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे इंसुलेटर्स है, सॉफ्ट है एंड इंसुलेटर्स है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेटेलिक सॉलिड्स की बात करूं तो ये सारे के सारे कौन से है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, और कैसे है, ये हार्ड है, हार्ड के साथ साथ कौन से, मैलिएबल एंड डक्टाइल है, मैलिएबल लिख लो बस, हार्ड के साथ साथ मैलिएबल और डक्टाइल है, और सबके साथ कैसे कंडक्टर है, ठीक। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक सॉलिड्स। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स, यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहे हो या जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हो सॉलिड्स को बनाने के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अपने आयनिक सॉलिड्स हो गया, सबको एग्जाम्पल पता है NaCl, राइट, KCl, जिंक सल्फाइड, ZnS, तो इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना कि यार ये भी कैसे होते हैं, ये भी सारे के सारे हार्ड होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको अगर आप तोड़ोगे तो ये चकनाचूर हो जाएंगे, इसकी तरह मैलिएबल नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा कि तुम शीट्स बना लो उनकी या उनको वैसे वायर के फॉर्म में ले आओ, बड़े से बहुत थिन वायर के फॉर्म में, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। और ये सारे के सारे कैसे हैं, ये भी इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, बट कंडक्टर कर रहे हैं ये लोग, कंडक्टर इन डिसॉल्व फॉर्म, डिजॉल्व स्टेट, मतलब अगर आपने इनको पानी में घोल दिया तो ये कंडक्टर बन जाएंगे, अदरवाइज इंसुलेटर है। तो ये इनकी खास बात है, इसको आपको याद रखना है, इंसुलेटर बट कंडक्टर इन डिजॉल्व स्टेट। नेक्स्ट है क्या, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, तो ऐसे सॉलिड जहां पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड में आपको पता ही है क्या है, बहुत सारा मतलब ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे सिंगल 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 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल्स क्या है, ग्रेफाइट के एग्जाम्पल है डायमंड एंड ग्रेफाइट। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर है, और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, जो कि कैसा है, कंडक्टर है और सॉफ्ट है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ये सारे के सारे कोवेलेंट वाले कैसे होंगे, हार्ड एंड इंसुलेटर, बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे यार हमारा देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्रिस्टल लैटिस एड यूनिट सेल, तो उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो वैसे अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस की, तो क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है,
रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, मतलब कि अगर आप किसी भी सॉलिड को लोगे और उसके ऊपर एक्सरेस को बम्बार्ड करोगे तो एक्सरेस के इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाके लगेंगे तो उनको हमने बोल दिया है पॉइंट्स। तो रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स या फिर रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन लैटिस। अब क्रिस्टलाइन लैटिस के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल 14 क्रिस्टलाइन लैटिस की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैविस लैटिस। तो कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14। अब इसमें से 14 में से भी क्या होता है कि नाम हम सिर्फ सात के ही जानते हैं, क्यूबिक हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ऑर्थोरम्बिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल सात हो गए, बट इसमें भी क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। बॉडी सेंटर सिंपल, जैसे बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया, फेस सेंटर क्यूबिक हो गया, एंड सेंटर क्यूबिक हो गया, तो अलग अलग सब मिला के फाइनली कितने ब्रेविस, कितने लैटिस पॉसिबल है या कितने क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल है हमारे पास, वो है 14। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन जनरेट द एंटायर लैटिस। मतलब कि क्रिस्टलाइन की लैटिस थी, जैसे कि लेट्स से हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, हमारा इस तरह की एक क्रिस्टल हमारे पास में क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कुछ एक हमारे पास में इस तरह की शेप बन गई। ठीक है, तो ये जो शेप हुई इसको हमने बोला यूनिट सेल, और जब हम इस यूनिट सेल को ऑल डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारी एंटायर क्रिस्टल लैटिस वापस हमें दिखने लगेगी। तो दिस इज यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में भी क्या होता है, देयर आर क्लासिफिकेशंस। यूनिट सेल क्या क्या है हमारे पास में, तो यूनिट सेल को आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ऐसे समझ लो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल्स को भी यार हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है दो टाइप में, पहला है एक सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन सा, बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। ठीक, ये अपने को तीन पार्ट में डिवाइड करिए। तो टोटल यूनिट सेल आपके चार तरह के हो गए, सिंपल यूनिट सेल, उसके अंदर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अगर हमारे पास में जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक है तो हम वो बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, और क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी, या फिर एंड सेंटर्ड क्यूबिक ईसीसी। एंड सेंटर्ड जनरली नहीं पूछा जाता है, तो एंड सेंटर्ड पे आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है कि भाई कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल एक यूनिट सेल में आ सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जितने भी इसके ये एज पॉइंट्स हैं, तो अगर हम देखेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने टोटल 8 एज पॉइंट्स होते हैं, और हर एज पॉइंट पे 1/8 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आता है, विच मीन्स अगर सिंपल क्यूबिक है तो वहां पे n इक्वल टू कितना होगा, 1, मतलब टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में कितने आएंगे, वो आएंगे 1। अगर यही हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, बीसीसी की, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे कॉर्नर पे 1/8 होंगे, तो 1 तो ये तरफ हो जाएगा और इसके सेंटर में एक और रखा होगा बॉडी के, तो यहाँ पे टोटल n इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीसीसी के केस में n इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें एफसीसी, तो इधर क्या होता है कि हर फेस पे आधा आधा एटम रहता है, तो टोटल 6 फेस है, तो 3 एटम्स ये हो गए, और कॉर्नर पे 1/8 करके हिसाब लगाएंगे तो एक बांस निकल के आएगा, तो टोटल कितने होगा एफसीसी में, 4। एंड सेंटर्ड की बात करें, एंड सेंटर्ड क्यूबिक मान लो थोड़ी देर, तो यहाँ पे क्या होता है कोई भी दो अपोजिट फेस में हाफ ऑफ एटम होता है और सारे कॉर्नर पे तो होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कितने निकल के आएंगे, एन इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 1 नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, जिसमें यूनिट सिंपल क्यूबिक में 1 आएंगे, बॉडी सेंटर्ड में 2 आएंगे, फेस सेंटर्ड में 4 आएंगे और एंड सेंटर्ड में 2 आएंगे। इसके साथ साथ यूनिट सेल के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब एम्प्टी स्पेस। वॉइड्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक को हम, एक होता है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दोनों की बात करें तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है कि तीन आपने स्फीयर रखे, उसके ऊपर एक स्फीयर रख दिया, तो बीच में जो जगह होगी वहां से बन जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, देखने में टेट्राहेड्रन की फॉर्म में होता है। तो और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है, यहाँ पे 6 कॉन्स्टेंट, मतलब 6 स्फीयर्स नीचे, 6 स्फीयर उसके ऊपर, तो बीच में जो स्पेस बनेगा वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाने के लिए हमें कम कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, इसका मतलब ये ज्यादा बन सकते हैं,
तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2n होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं, 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ये इक्वल होते हैं, जितना हमारे एक यूनिट सेल में कॉन्स्टेंट पार्टिकल आते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2। बिकॉज क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 2 है। सिमिलरली कोई बोले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4, बिकॉज नंबर इज 2 है। इसमें बहुत अच्छा सा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है, जो कि ऑलमोस्ट हर साल पूछ लिया जाता है, या फिर ऑल्टरनेट तो पूछ ही लिया जाता है कि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है या फिर 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय कैटायन, और ये वो उसका आपको पूरा बताना होता है। तो वो मैंने क्वेश्चन अपने ओरिजिनल वीडियो में भी करवाया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट यार सारी चीजें ही कंप्लीट कर ली है क्रिस्टलाइन लैटिस की और यूनिट सेल के बारे में। इसके अलावा आई थिंक हाँ यार बस एक चीज और बची है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स टचिंग ईच अदर इन अ क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक क्रिस्टल लैटिस में एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई FCC है या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, SCP या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। यहाँ पे आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इन सबको याद रख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। मतलब आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हो या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हो या फिर आप लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हो, एक एटम को, एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल को 12 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स टच कर रहे होंगे, इसको आपको याद रख लेना है एज इट इज। तो यहाँ पे यार हमारी क्रिस्टलाइन लैटिस और यूनिट सेल की बात खत्म हो जाती है, जल्दी से चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ। तो गाइस अब आ जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी को देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने शॉर्ट में PF लिख दिया। ये क्या होगा यार, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, शॉर्ट में CP लिख दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और अगर परसेंटेज निकाला है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा, ये परसेंटेज में निकल आएगा आपका, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि यार अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या क्या होगी। तो अगर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में n इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे यार आपको n इंटू भी लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं। तो सिंपल क्यूबिक में n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी यार, 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल। तो अगर वो स्पीयर है तो हम कितना मान लेंगे, 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ एन यूनिट सेल क्योंकि ये क्यूबिक है तो a³ हो जाएगा। अच्छा, जो यूनिट सेल होती है उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट रहती है, बट अगर आप एक क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होती है, तो उसको हम सिंपली a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि यार एंगल्स भी रहते हैं एक यूनिट सेल में, अल्फा बीटा एंड गामा। तो बट यहाँ पे क्यूब में है तो वो सारे के सारे बराबर होंगे, क्योंकि क्यूब का आपको पता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट भी बराबर है, और जितने भी अगर 3 अंदर के एंगल देखेंगे तो वो भी बराबर बैठेंगे। तो बात आ जाती है यार, ये इसको आप सॉल्व कर लोगे, बस बशर्ते आपको ये पता हो कि रेडियस और जो हमारा एज लेंथ है उसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जो ए होता है वो इक्वल टू होता है 2r, मतलब कि जो एक एज लेंथ है क्यूब की वो रेडियस के ट्वाइस है। तो अगर आप इसको उसको लगा के सॉल्व करोगे तो कुछ तो आपका आंसर आ जाएगा 52.4%। तो ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा किसके केस में, सिंपल क्यूबिक के केस में। अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की BCC, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपको पता है कि n इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, और जो हमारा ये होता है वो होता है 4r/√3। कितना होता है, 4r/√3। तो अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो कुछ तो आपका 68% के आसपास पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितने होंगे, 2। अगर हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की FCC, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं 4, और अगर आप यहाँ पे a और r का रिलेशन देखो तो a इक्वल टू होता है 2√2r, a इक्वल टू 2√2r आता है। और जो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आती है, पैकिंग एफिशिएंसी वो निकल के आती है कि कुछ समवेयर क्लोज टू 74%। ठीक है, सो ये मैंने ऑलरेडी यार देखो तुम लोगों को सारा करवाया हुआ है, बट मैं यहाँ पे एक्जैक्टली सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ कि ये a और r का रिलेशन कैसे आया है। आई होप आपको पहले से ये सब पता होगा। तो इसी के साथ में हमारी देखो पैकिंग एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। इसके पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ डेंसिटी को और डिस्कस कर लेते हैं कि कभी अगर आपको डेंसिटी निकालनी नहीं तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो यार हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या होगा, मास किसका होगा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का, और वॉल्यूम किसका होगा, यूनिट सेल का। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो जेड है, जैसे कि हमने पहले एन से डिटरमाइन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जेड मान लेते हैं।
तो जेड इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय लेट्स से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मैंने ए क्यूब मान लिया। अब मान लो अगर आपको मास नहीं पता है तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होता है क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एम वो कितना होता है, वो होता है मास इंटू एवोगैड्रो नंबर एन ए। तो अगर मुझे मास नहीं पता है बट मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है तो मैं क्या करूंगा जो है उसको एम बाय एन ए हो जाएगा, मतलब जो डेंसिटी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जेड मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो इस तरह से आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो अगर पूछा जाए तो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी ये निकालने को आ जाता है। तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी जब खत्म हो जाती है अब हम आते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड में, तो उसको मिटा दिया जाए। चलो गाइस अब बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स की। तो डिफेक्ट में अगर हम बात करें तो डिफेक्ट का मतलब होता है इम्परफेक्शन जो कि सब लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन हम लोग उसकी बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। तो अगर हम इम्परफेक्शन बात करें सॉलिड में तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, एक होता है लाइन डिफेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि यार अगर एक पूरी लाइन में इम्परफेक्शन है तो वो लाइन डिफेक्ट हो जाएगा, और अगर एक सिंगल कॉन्स्टेंट पार्टिकल के पॉइंट पे अगर डिफेक्ट है तो वो हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो हम किसको पढ़ेंगे, सिर्फ से पॉइंट डिफेक्ट को। अब पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो यार ये भी तीन टाइप में डिवाइडेड है। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये फर्स्ट वाला है। दूसरा वाला कौन सा है हमारा यार, वो है इंप्योरिटी डिफेक्ट। और थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा हो गया इंप्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा कौन सा हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीनों को अच्छे से समझते हैं। पहले आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा डिफेक्ट यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मतलब कि जो एक रेशियो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का, ये रेशियो है किसी मॉलिक्यूल में जो भी मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल का रेशियो है वो वहां पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए इनका एक और नाम है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक या फिर क्या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं इनके अगर प्रॉपर्टी, इसको भी अगेन क्या हो रहा है चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो चारों को लिख देते हैं। देखो पहला कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड कौन सा है, फ्रेंकल डिफेक्ट। और फोर्थ कौन सा है, शॉटकी डिफेक्ट। चारों को समझ लेते हैं। देखो वैकेंसी नाम से समझ में आ रहा है कि यार क्या हो गया यहाँ पे, एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल गायब हो गया अपनी जगह से, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट की, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। में सिंपली क्या होगा कि जो आपकी डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल आ गया, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलो, जैसे कि हाइड्रोजन का क्रिस्टल है H2 का, सॉलिड H2 का क्रिस्टल है, वहां पे कुछ और एक्स्ट्रा H2 आ गया और उसने कोई बीच की साइड ऑक्यूपाई कर ली, इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर ली, तो यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई, H2 ही एक्स्ट्रा आया है बस। तो इधर क्या होगा यार, ये इंटरस्टिशियल इफेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, सिंपल है, यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ डेंसिटी घट जाएगी। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल इफेक्ट में क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि ये कौन शो करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड शो करेंगे। कौन शो करेगा, नॉन आयनिक सॉलिड्स। ओके, नाउ कमिंग टू आयनिक सॉलिड्स क्या करेंगे। अच्छा, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स क्यों शो, ये क्यों ही नॉन आयनिक, और ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल आयनिक सॉलिड्स की शो नहीं कर सकती, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब नहीं है, तो उसके लिए आ जाते हैं फ्रेंकल और शॉटकी। फ्रेंकल क्या, फ्रेंकल एक तरह से फिर से डिसलोकेशन डिफेक्ट है, यहाँ पे मोस्टली एक छोटा आयन अपनी जगह से हटके कहीं इंटरस्टिशियल जगह पे चला जाता है। तो फ्रेंकल में क्या हुआ, एक आयन अपनी जगह से हटके किसी इंटरस्टिशियल जगह पे चला गया। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, और ये वही सॉलिड शो करेंगे जहाँ पे कैटायन और एनायन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो AgCl, AgBr, AgI एक्सेट्रा, तो ऐसे सॉलिड जहाँ पे कैटायन और एनायन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो शो करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टकी एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस की वैकेंसी बराबर है, तो शॉर्टकी क्या है, शॉर्टकी इज काइंड ऑफ अ वैकेंसी डिफेक्ट
और यहाँ पे डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मिसिंग कैटाइंस और एनाइंस बराबर है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये कौन से शो करेंगे, ये भी आयनिक सॉलिड शो करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपका KCl, NaCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड एंड HeBr। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे HeBr, बिकॉज HeBr इज शोइंग बोल्ड इफेक्ट्स फ्रैंकल एंड शॉटकी। तो बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि फ्रैंकल एंड शॉटकी दोनों डिफेक्ट को शो करता है, तो आप बता दोगे जल्दी से HeBr। तो आपको HeBr यहाँ पे याद रखना है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखो पहले से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, तो आप समझ सकते हो सोडियम क्लोराइड SrCl2, सोडियम क्लोराइड SrCl2 इन NaCl। तो आप समझ सकते हो कि इम्प्योरिटी आ रही है बस। तो ये क्या हो गया, ये अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया SrCl2 इन NaCl, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ कमिंग टू नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। हमारे पास में यहाँ पे जगह नहीं है तो कोई नहीं, पहले हम आपको बता देते हैं मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस में नाम से समझ में आ रहा है कि मेटल बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अपने पास में NaCl, और NaCl को आप हीट कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा जब आप NaCl को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो सोडियम की एक लेयर आके जम जाएगी NaCl के ऊपर, और नीचे से एक क्लोरीन जाएगा ऊपर के सोडियम Cl- बेसिकली नीचे से जाएगा और ऊपर जो Na की लेयर आई है उससे जाके बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही वो Cl- Na से जाके बॉन्ड बनाएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा सोडियम, पहले सोडियम था वो सोडियम आयन की फॉर्म में आ जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन आके जो जहाँ से Cl गया था उस पोजिशन को आके ऑक्यूपाई कर लेगा, उस साइड को आके ऑक्यूपाई कर लेगा। जिस वजह से क्या होगा कि जो आपका जो खाली साइड थी एम्प्टी साइड थी उसको एक आके एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर या फिर फर्बन सेंटर। और इसी की वजह से क्या होता है कि आपको क्रिस्टल इम्प्योरिटी की वजह से क्रिस्टल लैटिस में कोई कलर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl पे, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो NaCl यहाँ पे आपको थोड़ा येलोइश दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, NaCl आपको येलो दिखाई देगा और का रीजन क्या हो जाएगा, एफ सेंटर से, अब इसको फर्बन सेंटर भी बोलते हैं, जर्मन वर्ड है ये। तो इसी तरह से अगर आपने पास में LiCl है और इसको भी आपने लिथियम वेपर में हीट किया तो LiCl कैसे आपको दिखेगा, पिंक कलर में दिखाई देगा। और अगर KCl है इसको आपने पोटेशियम वेपर में हीट किया तो ये आपको वायलेट दिखाई देगा, वायलेट पता चलेगा इम्प्योरिटी की वजह से। तो ये हो गया अपने नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या देखो, एक्सेस ऑफ सोडियम आ गया, क्लोरीन उतने की उतने ही रहे, स्टोइकोमेट्री गड़बड़ हो गई, तो इसलिए ये आया नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। इसके अलावा एक और सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड ZnO को आपने हीट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, जिंक आयन बन जाएगा Zn डबल पॉजिटिव प्लस O2 उड़ जाएगा हवा में प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे। तो बेसिकली अगर हम रेशियो देखें तो पहले क्या था, जिंक और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट थे, बट क्योंकि अब क्या हुआ ऑक्सीजन उड़ गया तो एक तरह से जिंक एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर हम इसके अब रेशियो की बात करें तो वो रेशियो हो जाएगा Zn1+X और O ऐसे रहेगा। बेसिकली क्या हुआ, अब Zn का नंबर, पहले Zn का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 में था, बट अब Zn क्या हो जाएगा 1+X, Zn का नंबर बढ़ जाएगा। तो यही है हमारा मेटल एक्सेस। तो वैसे दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं यार, जो कि कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी। मैं इधर ही लिख देता हूँ यार, छोड़ो जाने दो, मेटल डेफिशिएंसी। अब आप लोग नाम से समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा, मेटल की कमी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है क्या है, FeO। इधर लिख देते हैं यार, एग्जाम्पल क्या है इसका, FeO। अगर आप FeO में देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि आयरन और ऑक्सीजन दोनों बराबर रेशियो में प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इसका रेशियो देखें तो Fe का 0.95 समथिंग रेशियो होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि Fe का नंबर ऑक्सीजन से कम है। तो यहाँ पे जो Fe होता है वो एक्चुअली कुछ तो ये फेरस की फॉर्म में होता है और कुछ फेरिक की फॉर्म में होता है, Fe डबल पॉजिटिव और कुछ Fe ट्रिपल पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। अब बताओ ऑक्सीजन -2 है तो आप समझोगे यहाँ पे सारे सारे Fe +2 में होंगे तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, स्टोइकोमेट्रिक फॉर्म में इनको बनाना ही पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए कुछ Fe डबल पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, कुछ ट्रिपल पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, तो चार्ज बैलेंस हो जाता है बट स्टोइकोमेट्री बैलेंस नहीं होती है। इसलिए कैसे आ गए, फिर से नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गए। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक में भी, और गाइस नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी ये कौन से आ गए, मेटल डेफिशिएंसी, क्योंकि जो हमारे पास में आयरन का परसेंटेज है वो कुछ 0.95 है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, हमें वैसे 1:1 में चाहिए। तो ये कुछ तो एक्चुअली 0.93 से 96 के बीच में वेरी करता है, तो इसलिए 0.95 लिख दिया है और कुछ नहीं। सो गाइस हमने इसी के साथ मैं खत्म कर लिया है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, एंड द गुड न्यूज इज ऑल दोस हु आर गिविंग एग्जाम दिस ईयर CBSE बोर्ड वाले एटलीस्ट,
उन लोगों को इतना ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ लिया तो उनके लिए वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रिविजन बढ़िया से हुआ हो तो लाइक जरूर करना और मन करे तो शेयर भी कर देना। बट यार देखो, हम आधा दूर काम नहीं करने वाले, हम चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लोग भी वीडियो देखे, तो बस दो ही टॉपिक बचे हैं, एक और बता देते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उन लोगों के लिए एक्चुअली एक गिफ्ट है। गिफ्ट ये है कि इसके मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट वो बहुत शॉर्ट नोट है रिविजन के लिए, तो अगर आपको कुछ इसमें कमी लग रही हो तो अपने साइड से पूरी कर लेना। मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना कि आपने इसमें ये ऐड नहीं किया है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया, बट आई होप शायद कुछ तुम लोगों के काम आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए वीडियो के स्टार्ट में नहीं बताया कि जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे उनको ही वो नोट्स मिले। बहुत ही रंग बिरंगे नोट्स बनाए हैं मैंने, तो देख लेना और अपने उस डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट लेने के बाद जो भी तुम्हें कमी लगे वो उसको पूरी कर लेना। और मैं गाइस उसको मिटा देते हैं, आते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। तो जल्दी से ये टॉपिक और खत्म करते हैं और हमारा जो है सॉलिड स्टेट हो जाएगा यहाँ पे खत्म। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो यार हमारे पास में तीन चीजें होती है। हमारे पास में होता है कंडक्टर, हमारे पास में होता है इंसुलेटर, हमारे पास में होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10^4 to 10^7 पर ओम पर मीटर। ओके, इंसुलेटर की बात करें तो यहां पे जो उनकी कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10^-20 से 10^-10, अगेन यूनिट बाई पर ओम पर मीटर। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटी रेंज लाई करती है 10^-4 से 10^-6 से लेके 10^4 तक, अगेन पर ओम पर मीटर। तो ये होगा अपना कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आपने बुक में देखा ही होगा यार, बता रखा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो दोनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। ये गैप जो इंसुलेटर है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब कंडक्शन बैंड इधर है, वैलेंस बैंड इधर है, दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट हो ही नहीं पाती और उनकी कंडक्टिविटी रेंज इतनी कम है और वो इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा कम गैप होता है, मतलब गैप तो होता है बट उतना ज्यादा गैप नहीं होता जितना इंसुलेटर्स में होता है। तो सेमीकंडक्टर को आप थोड़ी बहुत हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीजें और पढ़नी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों समझ लेते हैं। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर पहले समझते हैं। तो देखो सेमीकंडक्टर मोस्टली हमारे कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सबके सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही मोस्टली सेमीकंडक्टर बनते हैं। और ये कौन से ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, मतलब कार्बन के बहन भाई, कार्बन की फैमिली में से निकल के आते हैं। इसका मतलब समझ सकते हो आप कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने इनको डोप कर दिया, डोप का मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटी ऐड कर दी किसकी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 में अपने कौन कौन से हो गया, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सॉरी नॉट एल्यूमिनियम, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, तो अब फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली क्या करेंगे, 400 बॉन्ड बनाने के सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर को हमने क्या बोला, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली वी हैव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देख क्या होगा यहाँ पे डोपिंग किससे होगी, यहाँ पे जो डोपिंग होगी वो होगी ग्रुप 13 एलिमेंट से, डोपिंग में किसमें होगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13 किया, जैसे कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को हमने किससे डोप कर दिया, एल्यूमिनियम या गैलियम से, ग्रुप 13 है, तो इनके आउटर मोशन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाहर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, 3 से तो बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी बच जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, सिलिकॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहां पे बॉन्ड बनाने में हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा, क्या यहाँ पे क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन होल। तो इस इलेक्ट्रॉन होल की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो देखने में ऐसा लगेगा कि एक प्लस का चार्ज मूव कर रहा है या फिर एक खाली जगह मूव कर रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहीं पे आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इसके ज्यादा यूजेस क्या है और वो सब वो आपको नहीं पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट विच इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ये भी सिंपल सा है, 3-4 चीजें हमें समझनी है और वहीं पे हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाए। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में तो हमें 3-4 चीजें समझनी है, जैसे कि हमें समझना है पैरा मैग्नेटिक, हमें समझना है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म समझना है, जो पैरामैग्नेटिज्म को शो करेंगे वही पैरामैग्नेटिक होंगे,
पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंटी फेरो मैग्नेटिज्म और लास्ट क्या है हमारे पास में, वो है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है चलो सबको यार एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है यार, यहां पे होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरे बात में क्या होता है, दे गेट वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है अगर मैग्नेटिक फील्ड पर देखेंगे तो वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, कितना सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस बात को याद रखना, वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन। उसके अलावा जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो इनका मैग्नेटिज्म भी चला जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो गया अपना O2, Cu डबल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Cr क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरामैग्नेटिज्म की, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिज्म में उल्टा होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे पेयर्ड में होंगे, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होगी। यहां पे क्या होगा, ये जो है मैग्नेटाइज कैसे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी वीकली मैग्नेटाइज होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वीकली मैग्नेटाइज, इट विल गेट वीकली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके तो बस इसका इतना ही है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसमें भी फिर भी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे कुछ मैग्नेटिज्म नहीं बचेगा। इसके एग्जांपल की बात कर लेते तो इसका एग्जांपल है आपका वाटर, इसका एग्जांपल है आपका NaCl नमक। ठीक है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एग्जाम्पल है C6H6 मतलब आपका बेंजीन। तो गाइज ये हो गया आपका डायमैग्नेटिज्म। अब थर्ड आते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इसको आप परमानेंटली मैग्नेटाइज भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, इसको आप देख सकते हो कि कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। ये कैसे हो जाएगा, पहली बार तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पर आप रखोगे तो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएगा और इतना स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएगा कि परमानेंटली भी मैग्नेटाइज रह सकता है। तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका आयरन कोबाल्ट FeCO, आयरन कोबाल्ट निकल, क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2, गैडोलिनियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे फेरोमैग्नेटिज्म के। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ये शो करता है MnO। आपको पता है कि MnO कैसा एक तरह से आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी जो आयंस है वो बेसिकली क्या होंगे, एंटी पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि द आयंस इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अरेंज इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट ही इनका कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसके बीच के डोमेन्स है जो आयंस है वो एंटी पैरेलल अरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है कैंसिल आउट हो जाएगा। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे भी आयंस अपोजिटली ओरिएंट होते हैं बट दे आर इन अनइक्वल नंबर। ठीक है रीडिंग इट, डोमेन्स ओरिएंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इन अनइक्वल नंबर। इसकी वजह से क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या पैरामैग्नेटिज्म जो है बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ये भी वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा, गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इसको हीट कर देंगे, इसको अगर हमने हीट कर दिया तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक के जैसा। ठीक है तो आप देख सकते हो कि फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड व्हेन हीटेड बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या होगा यार, Fe3O4 Mg, Fe2O4 Zn
Fe2O4। तो ये एग्जाम्पल में से कुछ आपको याद रख लेना। तो यही हो गया जैसा हमारा फेरी मैग्नेटिज्म यहाँ पे खत्म। इसी के साथ साथ चैप्टर भी यार पूरा ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो रिवीजन का तरीका तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे जल्दी ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।